बिहार के मुंगेर में 28 अक्टूबर को होने वाले चुनाव के एक दिन पूर्व दुर्गा पूजा प्रतिमा विसर्जन के दौरान हिंसा की घटना हुई है। शहर के बीचों बीच पड़ने वाले पंडित दीनदयाल चौक के पास शंकरपुर की प्रतिमा के विसर्जन के दौरान असामाजिक तत्वों द्वारा की गई रोड़ेबाजी और फायरिंग की घटना में एक की मौत हो गई। इस घटना में कई लोग घायल हो गए और कोतवाली प्रभारी समेत 3 जवान भी घायल हो गए। दरअसल मुंगेर जिला में पहले चरण में ही 3 विधानसभा क्षेत्र जमालपुर, तारापुर और मुंगेर में मतदान होना है। इसको लेकर प्रशासन प्रतिमा विसर्जन जल्द करवाना चाह रही थी। इस दौरान शादीपुर की प्रतिमा विसर्जन के लिए धीमे रफ्तार से बढ़ रहे मजमे को दीनदयाल चौक के पास पूजा समिति से आगे बढ़ाने जब प्रशासन ने जोर दिया तो पब्लिक विरोध करने लगी। इसी दौरान स्थिति उग्र हो गई और स्थिति को कंट्रोल में करने के लिए पुलिस ने लाठी चार्ज शुरू कर दी, जिसके बाद लोगों ने पुलिस पर पथराव किया। देखते ही देखते स्थिति इतनी उग्र हो गई कि गोलियां चलने लगी। इस गोलीबारी में कोतवाली थाना क्षेत्र के लोहा पट्टी निवासी 22 साल के अनुराग कुमार की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। आपको बता दें कि युवक की मौत के बाद से लोग में गुस्सा है। उनका आरोप है कि युवक की मौत पुलिस की गोली से हुई है। पुलिस ने 3 हथियार, गोलियां और खोखा भी बरामद किया है। न्यूज़ डेस्क।